फ्रेंड्स यार आज एपी का कॉल, और आज कितना तारीख है जी? 16। देख ले, डेट भी दिखा दे आप लोग को, 16 मई। देखिए 16 मई को आ रहा है कॉल। कल रात को भी आया था, गाली वगैरह दे रहा था हस्बैंड को। इसको रह रहे ना खुजली मच रहा है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आस्था फैमिली ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? और हम तो अच्छे नहीं हैं, इसीलिए वीडियो नहीं डालते हैं। तकरीबन 1 महीना हो गया होगा ना जी, 1 महीना हो गया वो गोरखनाथ के बाद वीडियो नहीं डाले, क्योंकि मेरा तबीयत, आवाज़ से आप लोग को लग रहा होगा कि मेरा तबीयत सही नहीं है। और ज़्यादातर हम सोए रहते हैं, बाहर जाना वगैरह कुछ नहीं, बहुत कम करते हैं, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है मेरे बॉडी में, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। और इंडिया गए थे हम, मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था उधर, और उधर ही मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया। जब से आए हैं तब से तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा है, कुछ है नहीं, बस वीकनेस है। फुल बॉडी चेकअप करा लिए हम यहाँ आने के बाद, तो डॉक्टर बोला कुछ भी नहीं है, बस लग रहा है ना कि ब्लड मेरे शरीर में कम है अभी, तो वो क्या बोलते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए बोला है, और बॉडी में खून बिल्कुल नाम के लिए है। डॉक्टर बोला ऐसे ही रहेगा तो ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, और बस टेस्ट चल रहा है। वहाँ गए तो मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ सुनने में आया कि मेरी सास का भी तबीयत ख़राब हो गया है, जीभ में ना उनके कुछ हो गया, इन्फेक्शन जैसा कुछ हुआ था, हमको पता नहीं था। 2 महीने हम वहाँ आते तो तब तक मम्मी का हम सोचे यहाँ पे इलाज तो हो ही रहा होगा। फिर जब हम यहाँ पे आए तो मेरी सास बिल्कुल बोल नहीं पाती थी, मिलने के लिए गए थे तो सास मेरी बिल्कुल बोल ही नहीं पा रही है, उनके पूरे जो जीभ में ना लंबा सा कुछ 2-3 फोड़ी जैसा आ गया है, और नीचे का जीभ पूरा ब्लैक हो गया है। तो डॉक्टर के पास मेरे हस्बैंड जब से आए तब से ले जाके दिखा रहे हैं उनको, मम्मी को, और हम भी 3-4 बार गए थे, मगर यहाँ से मम्मी का घर थोड़ा दूर है और धूप बहुत ज़्यादा होता है, तो हम एक बार चले जाते तो 1 हफ्ता बीमार पड़ जाते हैं। आप लोग को भी पता है कि कितनी बड़ी बीमारी से हम खुद उठे हुए हैं, और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो हम जाते हैं बीच बीच में मम्मी से मिलने के लिए। और अभी तो ये मेरे हस्बैंड इलाज स्टार्ट करवाए हैं मम्मी का, तो अभी थोड़ा सा राहत है। और सास भी मेरी 2-3 महीने से कुछ भी नहीं खा पा, कुछ खा वो नहीं पा रही, कुछ बस लिक्विड जैसा ले रही, उनका भी वज़न काफ़ी कम हो गया है, तो अभी ज़रूरी हो गया कि उनका इलाज पूरा सीरियसली कराया जाए, क्योंकि डॉक्टर देखा तो बोला कि उनका जीभ ना थोड़ा ख़त्म हो रहा है, तो टेस्ट वगैरह कुछ लिखा है, तो हस्बैंड मेरे ले जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। पता नहीं 2 महीना क्या हुआ कि बीमारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और कहाँ दिखाएँ क्या दिखाएँ कुछ पता नहीं है, क्योंकि 2 महीना हम लोग यहाँ पर थे ही नहीं, इंडिया में थे, तो आने के बाद देखे तो मम्मी एकदम बिल्कुल बोल ही नहीं पाती थी, बिल्कुल नहीं बोल पाती थी। अभी तो जब से हस्बैंड ले गए, दिखाए वगैरह कुछ किए, तो अभी थोड़ा थोड़ा बोलती हैं, मगर डॉक्टर बोला कि जो दवाई दी है कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा है, और इनका टेस्ट कराना है तो दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया है। अब स्टार्ट हो गया इलाज, देखिए क्या होता है, टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन हम भी जाएँगे मम्मी के साथ, क्योंकि एक लेडीज़ को भी होना थोड़ा ज़रूरी होता है ना। तो मेरा तो चलने फिरने का बिल्कुल हालत नहीं है, फिर भी इसी हालत में देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप लोग को पता है कि जब हम ऐसे बीमार पड़े थे तो उस समय फैमिली का ज़रूरत पड़ता है। हॉस्पिटल में भी पूछता है कि आपके परिवार का कोई नहीं है क्या, मेरे साथ भी ऐसे पूछता था, तो वही हम सोचे सास भी आज है, अकेले हस्बैंड लेके जाते हैं, उनको भी तो पूछता होगा फैमिली में कोई है कि नहीं, तो सोचे टेस्ट, मेरे हस्बैंड बोले जिस दिन टेस्ट होगा मम्मी का उस दिन साथ में चलना, तो हिम्मत करेंगे जाएँगे, जैसे अपना बीमारी दूसरा का भी समझना चाहिए। और फ्रेंड, और रह गया बात, बहुत दिन से आए हैं यहाँ पे, तो जब से यहाँ पे आए एक भी वीडियो नहीं डाले, तो बहुत सारे लोग को खलबली मच रहा होगा कि थोड़ा सा शकल देख लें इसका कुछ। ये मेरा ना बैक पेन स्टार्ट कभी ख़त्म ही नहीं हुआ है, सोच रहे नीचे का गद्दा लेंगे, ये बेड पे नहीं सोएंगे, क्योंकि डॉक्टर बोल रहा था सीधे सीधे जगह पर सोएंगे ना तो जल्दी ठीक होगा, तो सोच रहे आजकल मैं एक नीचे का गद्दा लेके आए और नीचे ही सोएँ। और क्या बताएं फ्रेंड, ओ मेरा जो सबसे भारी दुश्मन है यहाँ पे जेपी, वो आज हम कल रात से मिस यू कर रहा है, कह रहा बहुत याद आ रहा है, फ़ोन कर रहा है, तो कल फ़ोन करके गाली दिया रात में, तो हम सोचे जाने दो, इतना बात इग्नोर करना चाहिए, तो क्योंकि उसका ना लग रहा है कि वो उसको मिर्गी आता है, लगता हमको मिर्गी का झटका वगैरह आता है, 4 दिन सही से रहता है, आज आस्था 4 दिन सही से रहता है, 4 दिन बाद पता नहीं क्या हो जाता है। तो कल रात को फ़ोन किया, फिर अभी भी आया था फ़ोन, और वीडियो के लास्ट में डाल देंगे, जेपी फ़ोन किया था, आज 16 मई है, 16 मई को फ़ोन किया था, और कल रात को भी फ़ोन किया था, तो
क्या बोले उसको, उसको रह रहे हैं मिर्गी का झटका आ रहा है, और जिससे झटका आना चाहिए उसको तो पता नहीं कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, पता नहीं कर रहा है। तो क्या बोले, मुंह गंदा नहीं करना चाहते, वीडियो में गाली वगैरह देना नहीं चाहते हैं, बस वार्निंग देना चाहते हैं कि जहाँ है गंदगी के साथ में बैठा है तो गंदगी के साथ में रहो, और यहाँ खोदने का बिल्कुल कोशिश मत करो बाबू, तुमसे कमज़ोर कोई नहीं है इस दुनिया में, इतना जान लेना। गंदगी के साथ घूम रहा है क्या, शर्म नहीं आ रहा है क्या, तुमसे कमज़ोर कोई नहीं है ये लिख लेना। ये सोचने का गलती मत करना कि तुम बहुत बड़ा बलवान है, तुम कुछ नहीं है, और कोई यहाँ कमज़ोर नहीं बैठा हुआ कि फ़ोन करके चार को गाली सुना देगा, सुन लेगा। तो अपनी औकात में रहो, पागल हो रहा है तो कपड़ा खोल के घूमो अपने घर में, सुनते थे कपड़ा खोल के घूमता था, और वो पगलिया को भी लेके घूमो जो पगलिया सब कुछ करके यार मटक रही है 5 फुट वाली, वो पगलिया को लेके घूमो, पगलिया को जाओ कहीं मंदिर पे बिठा के और घंटी बजाओ, आरती करो उसका। क्या बोले, गंदा चीज़ वर्ड नहीं, गंदा वर्ड यूज नहीं करेंगे, नहीं तो उसका तो जगह समाज में रहने लायक नहीं है। जैसी वो औरत है उसका जगह कहीं और है, वैसी औरत का जगह कहीं और होता है, जिसको क्या बोले, बोले तो फ्रेंड अब गाली नहीं देंगे, जुबान गंदा नहीं करेंगे, कहाँ से आ रहा है चिट्ठी, और हस्बैंड गए किचन में कह रहे चिट्ठी आ रहा है, पता नहीं कहाँ से चिट्ठी आ रहा है। तो फ्रेंड बस इतना ही बात है, गाली नहीं देना चाहते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में गाली वगैरह सब देंगे। अब सोच रहे हैं कि इनका पूरा हाईलाइट, पूरा बोल तो दी, पूरा हाईलाइट कर दे लग रहा है कि, क्योंकि हम लोग शांति से रहते हैं ना, तो ये लोग शांति से नहीं रहता है, ये लोग सोचता है क्या कि उंगली करो, लगता है हमको उसको अच्छा लगता है, जेपी को ना अच्छा लगता है सुनने में। अरे तो सुनने में बाबू, बड़ी बड़ा बहुत बड़ा धोखा हुआ है तेरे साथ, इतना जान लेना, बहुत बड़ा धोखा, तेरे जैसा मर्द है जो पता नहीं तू कैसे, ओह क्या बोले, हम बताते हैं, मेरे खानदान का कोई मर्द रहा होता ना तो ऐसे तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। पता नहीं कैसे उस औरत के साथ रहता है, घूमता है, पता नहीं कैसे, छीथू है। और कुछ नहीं बोलेंगे फ्रेंड, और मेरी वजह से वीडियो में गाली वगैरह अब तो देने का मन ही नहीं करता है, हिम्मत भी नहीं करता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गया है, बस सुनते रहो, और अजय पी का फ़ोन आते रहता है तो उसको यूट्यूब पे गाली देते रहो बिंदास खोल के, और गाली देना नहीं छोड़ेंगे। और डर तो किसी के बाप से भी नहीं लगता, ये तो जे पी जानता ही होगा। तो पता नहीं कि उसको बड़ा तकलीफ होता है मेरे वीडियो देख के, उसकी वाइफ सुनते हैं। हाँ और एक बात बताना भूल गया, उसकी वाइफ मेरे से दूर रहना चाहिए ना, उसकी वाइफ, हम इंडिया से आए थे, मेरी बेटी का मुंडन हुआ था तो सास के लिए हम साड़ी वगैरह लेके आए थे, हम सास के लिए 2 साड़ी लेके आए थे, मेरी बेटी का मुंडन हुआ था तो देने का फर्ज होता है, तो मेरा दिया साड़ी का फ़ोटो वगैरह सब मंगाई थी। ये सब देख के ना चिड़ मचता है, मेरे से मतलब नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ना, इसके बारे में पूछो मत करो, सबसे खोद के पूछेगी वीडियो आई लल हा, वीडियो आई लल हा, मेरा वीडियो को आराम से बैठ के देखती है और ऊपर से गाली भी देती है मेरे वीडियो में, यहाँ गए ललिए घूमे, गए ललिए वहाँ गए ललिए घूमे, अपने भतार के पैसा से जाते हैं, गणेश सोचा के पैसा से जाते हैं, तेरे पैसा से नहीं जाते हैं। और देख तू अपना औकात देखो, मेरा औकात देख, ये भीख मांगनी सोचती है ना कि हम थाईलैंड आए तो पूरा भीख मांगे, तो उसी तरह सब कोई भीख क्यों नहीं मांगता, ये तो ना ऐसे कैसे जिंदा जिंदगी जी रही है, घूम रही है, फिर रही है, 1 साल में 2-2 बार इंडिया टूर मार रही है, यहाँ 3-3, 4-4 साल हो जाता है, हम एक बार भी नहीं जा पाते हैं, तो किस्मत किस्मत होता है ना। तो मेरे हस्बैंड का इतना औकात है कि हमको करा देते हैं, घुमा देते हैं, ले जाते हैं, तू भी घूम, तू भी कर, पैसा का मुंह देखेगी तो 2 चीज़ ही मिल सकता है, या तो पैसा रख या तो घूमने का सुख ले, तो हम घूमने का सुख लेते हैं, पैसा का मुंह नहीं देखते हैं हम, भाई मेरे पास पैसा है तो हम आना जाना घूमना फिरना खाना खूब बिंदास करते हैं। और मेरी छूतू छी बेबी होती है और शर्मा रही है, इसका बाल आ गया है, आस्था का बाल आ गया है, तो मेरी बेटी को लगाए गाली देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपनी बेटी के साथ वो करता होगा इसीलिए दूसरी की बेटी को ऐसा गाली देता है। चलिए फ्रेंड क्या बोले, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अगर इसके बाद भी कोई एक्शन लिया, एक भी गाली नहीं दी वीडियो में फ्रेंड, क्योंकि मुँह गंदा नहीं करना। तो चलो जे पी बाय बाय, और वो गंदी को लेकर घूमते रहो, गंद मचाते रहो तुम लोग, और हम लोग के खानदान में से गंद नहीं मचता है, छी 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 छी, हम लोग खानदान में फ्रेंड अब बता तो रहे हैं, ऐसी औरत है कि कोई गला पकड़ ले, कोई जांग पकड़ ले, कोई कुछ भी पकड़ ले, इनका फ्री चलता है। अगर हम तो बताते हैं ना, हम अगर अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे, कोई अगर मर्द हम लोग से गंदा निगाह से बात भी कर ले, मेरा मर्द वहीं पर धुलाई करना चालू कर देगा।
चाहे बोलना चालू कर देगा कौन है क्या है क्या नहीं है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोदी में उठा लो, नेपुल से दूध पिला दो, इसको जांग पकड़ लो, इसका गला में कोई भी बांगबोन में हम खुद देखे कोई भी आए कोई भी गला पकड़ लेता है। आइसक्रीम वाला कौकात है जी, ब्राह्मण घर की औरत को कोई आइसक्रीम वाला गला में चक्कू लगा देगा गला पकड़ लेगा, कैसा मर्द है? मर्द को सलाह क्या बोले, वैसा मर्द को रहना ना रहना बेकार है। जो तेरी वाइफ का कोई आइसक्रीम बेचने वाला मेरी आँख के सामने आइसक्रीम बेचने वाला गला पकड़ लिया, हिम्मत है मेरे घर की औरत को कोई उंगली टच करके दिखा दे तो? हम अपनी आँख से देखे थे बांगबोन में, हम अपने हस्बैंड को भी बताइए कि ब्राह्मण घर की औरत लोग है बाजार कर रही है और उसके बाद से कोई आइसक्रीम वाला आके पता नहीं कौन जात का कुछ जात का है आप पूरा गला गर्दन पकड़ ले रहा है कि चक्कू लगा देते चलो हमारे साथ आइसक्रीम खा लो, इसे कैसे औकात है? फिर एक बार ऐसे मिस्टेक से हमसे वो मिला था, हम तो झाड़ दिए थे, हमको वही सोच के आया पीछे से चलो हो आइसक्रीम वा खा लो, इसके पापा पूछे ये कौन है, बस हम वहीं धोने लगे, हम बोले तुम कौन है रे बता, तो बताया अरे हम तो उनके सोच के आपके पीछे से पूछल नहीं आइसक्रीम खाए के, तो हम बोले सुनो सब औरत एक जैसी नहीं होती है समझा ना, ड्रेस इंडियन ड्रेस देख लिया था, हम कुर्ती नहीं पहनते कुर्ती पहन के गए थे तो सोचा कि यही होगी पीछे से देखा, तो हम बोले सब औरत एक जैसी नहीं होती है कि तुम कहीं भी टच कर लो उसका मर्द बर्दाश्त कर लेगा। उस दिन तो वो पीछे से बस आवाज़ दिया था तो भी हम और मेरे मर्द पूरा लिपट गए थे, तो पूरा नाम बताया कि नहीं हम उनके जनली हैं उनके जान के पूछल नहीं आइसक्रीम खाए के, मेरे में बोल तो दिए मेरे से किसी मर्द का औकात नहीं है कि रास्ते में कहे आवा हो समोसा खा ले घूमने सतवा बैठ के, आवा हो जिलेबी खा ले घूमने सतवा, पूरे रास्ता हम पूरा थाईलैंड घूमते फ्रेंड, लेकिन कोई मर्द का औकात नहीं कि हमसे आके गले पकड़ ले मेरा और कह चल बुआ तू की आइसक्रीम खिला दी, अरे बोल तो दिए मेरा मर्द वहीं पे फाड़ के चीर के 100 टुकड़ा कर देता वो मर्द का, जैसे इनको सब छू लेता है कहीं भी पकड़ लेता है, हम तो 2-3 बार अपनी आँख से देखें छूते पकड़ते, कोई जांग पकड़ लेता है कोई गला पकड़ लेता है, बतियाए ना हमसे। चलिए फ्रेंड बाय बाय, और फिर मिलेंगे क्योंकि जब इसको मिर्गी आ रहा है तो एक्शन तो लेगा ही लेगा, तो फ़ोन करेगा गाली देगा तो हम भी छोड़ने वाले हैं नहीं, हम तो किसी से कम है नहीं। चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय। और आस्था शर्मा रही है और देखिए फ्रेंड पूरा गला बैठा हुआ है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ होगा तो, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद तो ज़रूर आएगा, आप लोगों को धमाल मचेगा और WTB खूब बढ़ेगा।